भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राकेश सिंह ने प्रथम नगर आगमन पर भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले सांवेर विधानसभा के शिप्रा हाईवे पर पहुंचे, जहां विधायक राजेश सोनकर के नेतृत्व में पुष्प मालाओं से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ स्वागत किया गया। इस बीच युवाओं ने सेल्फी भी ली। यहाँ से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा की अगुवाई में दो और चार पहिया वाहनों के काफिले के साथ कारवा आगे बढ़ा। शिप्रा में प्रदेश अध्यक्ष श्री सिंह ने जोशीले अंदाज में चौथी बार भाजपा सरकार के नारे बुलंद करवाए। शिप्रा से विजयनगर के मध्य 50 से अधिक मंचों से स्वागत किया गया। लसुड़िया के बाद से विधानसभा दो में विधायक रमेश मंदोला के नेतृत्व में स्वागत किया गया। बड़ा गणपति दर्शन पूजन और अर्चन के बाद विधानसभा एक से शुरुआत, जगह जगह मंच के साथ ही छतों से भी पुष्प वर्षा की गई। एक बार जोर से मोर्चा मोर्चा। देश के भीतर इन परिस्थितियों में ऐसी चलचलाती रूप में भाई का स्वागत अभिनंदन कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा, जहां से इंदौर जिले की सीमा चालू होती है शिप्रा में, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी जवान साथियों पूरे अपने जोश के साथ में नए प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए बेकरार है, तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में युवा मोर्चा को जो एक स्वागत का कार्यक्रम दिया है, इसके बाद में ग्रामीण में हमारे निरंजनपुर तक मंच लगे सांवेर विधानसभा के, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एक बाइक रैली के और फोर व्हीलर काफिले के साथ में अगुवाई करेंगे। फिर सुपर कॉरिडोर पर देपालपुर विधानसभा के भी युवा मोर्चा के साथी मनोज पटेल जी के नेतृत्व में सुपर कॉरिडोर पर भी नए प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। श्रवण सिंह चावड़ा।